नॉर्मली जब दंगे होते हैं तो आम जनता पत्थर डंडे वगैरह ये सब उठाती है, लेकिन मणिपुर की सिचुएशन एकदम अलग है। मणिपुर के अंदर ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनके खुद के इंसर्जेंट ग्रुप भी हैं, इनकी खुद की आर्मी है, और ये लोग भले ही गवर्नमेंट से पीस एग्रीमेंट वगैरह करके आर्म्स रख देते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये सारे एग्रीमेंट तोड़ के हथियार वगैरह दोबारा से उठा लेते हैं। ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो पुलिस थी मणिपुर की, उसमें से कुकी पुलिस जो थी वो अपना पुलिस स्टेशन छोड़ के कुकी वाले इलाकों के पुलिस स्टेशन में चली गई, और जो मैतेई पुलिस थी वो मैतेई वाले इलाकों के पुलिस स्टेशन में चली गई। इस वजह से मणिपुर की जो पुलिस थी वो डिवाइड होके कुकी की पुलिस और मैतेई की पुलिस बन गई थी। पुलिस वेट करती थी और जब इंसिडेंट हो जाता था उसके बाद इन्फॉर्म करती थी, ये देख के कि किस ग्रुप का विक्टिम है। इसके साथ साथ पुलिस की जो वेपन इन्वेंटरी होती है उसमें दो फेजेस में हथियार लूटे गए। एक 3 मई को लगभग 1600 हथियार लूटे गए और 27 से 28 मई को 2500 से ज्यादा हथियार लूटे गए। कई ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि लूटे नहीं गए बल्कि पुलिस ने खुद ही कम्युनिटी को दे दिया, ये देख के कि उनकी कम्युनिटी का बंदा है कि नहीं।